हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सीरीज पॉपुलर है अपने हर गेम के फैंटास्टिक करेक्टर और आई कैचिंग लोकेशन से। और अगर आप GTA सीरीज में देखो तो हर एक करेक्टर काफी मेमोरेबल रहा है। एग्जांपल के लिए आप सैन एंड्रियास के ही करेक्टर ले सकते हो, जिनमें आपको देखने को मिलते हैं CJ, बिग स्मोक, स्वीट राइडर, और इनके डायलॉग भी इतने आइकॉनिक होते हैं कि हर कोई इन्हें याद करता है और हर एक GTA फैन करेक्टर को बहुत पसंद भी करता है। वैसे कभी आपने एक चीज नोटिस करी है GTA के गेम में कि हर GTA के गेम में एक अलग कास्ट होती है जिसका पिछले गेम से कोई भी रिलेशन नहीं रहता, लेकिन फिर भी कुछ कुछ करेक्टर हर एक गेम में दिखाए जाते हैं और इनका रोल इन गेम्स में इतना छोटा होता है कि लोग इन्हें ज्यादा टाइम ध्यान भी नहीं देते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 करेक्टर के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अलग अलग GTA के गेम्स में पार्ट लिया है। तो देखते हैं आपने कितना नोटिस करा है इन करेक्टर्स को अपना गेम खेलते समय। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, आज की वीडियो में आपको काफी मजा आने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी ही गेमिंग वीडियोस देखना पसंद है YouTube पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। कैन रोजनबर्ग GTA Vice City में काफी इंपॉर्टेंट करेक्टर रहा है जो कि टॉमी वर्सेटी की काफी हेल्प करता है उसकी अंपायर को क्रिएट करने में उसे अलग अलग मिशंस देके। वैसे कैन रोजनबर्ग GTA सैन एंड्रियास में भी फीचर करा गया है। अब वैसे ज्यादातर लोगों ने यह सैन एंड्रियास कंप्लीट करते समय इसे नोटिस भी नहीं किया है। तो GTA सैन एंड्रियास के द मीट बिजनेस मिशन में आपको कैन रोजनबर्ग देखने को मिलेगा, जहां रोजनबर्ग की हालत इतनी अच्छी नहीं रह गई है अब क्योंकि उसके काफी सारे दुश्मन बन चुके हैं, बट यहाँ CJ उसकी हेल्प करता है इसके एनिमीज को एलिमिनेट करने में। GTA 4 से जॉनी क्लेबिट्स का हर किसी का हमेशा से ही एक मिक्स्ड अप ओपिनियन रहा है। अब कुछ लोग इसे काफी पसंद करते हैं तो कुछ लोग इसे उतना ही हेट भी करते हैं, लेकिन GTA 4 में उसको एक बढ़िया रोल रहा है उसका, जहां वो अपनी लॉस्ट एंड डैम्ड गैंग के एक्सपेंशन में इन्वॉल्व रहा है, जहां वो एक मेन करेक्टर के रूप में भी खेला जा सकता है। वैसे अगर आपने GTA 4 का DLC लॉस्ट एंड डैम्ड अगर खेला हो तो जॉनी को आप एक इंडिविजुअल गेम प्रोटेक्टनिस्ट के तौर पर भी खेल सकते हो, जहां जॉनी अपनी मोटरसाइकिल गैंग को आगे बढ़ाने का काम करता है बिना अपने बेवकूफ लीडर बिली ग्रे की बात सुनते हुए। बट इसके बाद जब वो GTA 5 में फीचर किया जाता है तब उसका सामना एक और खतरनाक इंसान से होता है जो कि है ट्रेवर, जहां ट्रेवर एक बहस के चलते उसको बहुत बुरी तरीके से रोड पे ही मार देता है। और क्योंकि वो एक मोटरसाइकिल गैंग का मेंबर होता है इसलिए आपने देखा ही होगा GTA 5 खेलते समय कि ट्रेवर मोटरसाइकिल गैंग को कितना हेट करता है और उसके बाद वो वहां पे उनके विलेज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अगला करेक्टर है GTA Vice City से कैंट पॉल। कैंट पॉल Vice City में टॉमी का काफी बढ़िया दोस्त होता है और एक इंपॉर्टेंट करेक्टर भी है GTA Vice City में कैंट पॉल, जिसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट गेम में टॉमी की काफी ज्यादा मदद करते हैं। अब GTA San Andreas में कैंट CJ का एक फ्रेंड बन जाता है क्योंकि CJ कैंट की कुछ हेल्प करता है उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बट पॉल का ज्यादा कुछ रोल नहीं है GTA San Andreas के अंदर, वो बस कभी कभार CJ के साथ हैंग आउट कर लेता है। टोनी कैप्रियानी सबसे पहले GTA 3 में देखने को मिलता है, जहां वो सेल्वेटोर लियोनी ऑर्गेनाइजेशन का एक हाई रैंक मेंबर है। टोनी गेम के प्रोटैगनिस्ट क्लॉड को काफ़ी सारे मिशन देता है उसकी राइवलरी गैंग ट्रायड्स को नीचे गिराने के लिए, बट जब ये दोबारा अपेयर होता है GTA सीरीज में तब ये GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज का एक मेन प्रोटैगनिस्ट बन चुका है। बट यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि GTA 3 सेटअप हुआ है 2001 ईयर में और ये रिलीज भी उसी साल हुआ था, और GTA लिबर्टी सिटी सेटअप करा गया है 1998 ईयर में, जबकि ये GTA 3 के बाद 2005 में रिलीज हुआ था। लिबर्टी सिटी में टोनी एज अ मेन प्रोटैगोनिस्ट आता है, जिसमें उसका मेन टास्क आता है लियोनी फैमिली की रैंक को फिर से बढ़ाना। और जैसा कि मैंने बताया ये सब GTA 3 की स्टोरी के 3 साल पहले सेट है। GTA 4 में निको बेलिक 3's क्राउड मिशन में एक लड़की से मिलता है जिसका नेम होता है मिशेल, जो कि निको की गर्लफ्रेंड भी बन जाती है और निको बेलिक गेम में उसे डेट भी करता है। बट कुछ टाइम बाद पता चलता है कि मिशेल का असली नेम कैरीन है और वो एक अंडरकवर गवर्नमेंट एजेंट है। वो गेम में निको का इस्तेमाल करती है एलिजाबेथ कुकिंग तक पहुँचने के लिए, और फिर वो निको को यूनाइटेड लिबर्टी पेपर्स भी ले जाती है जिस गवर्नमेंट एजेंसी के लिए वो काम भी करती है। तो इस तरीके से वो निको बेरी को भी फंसा देती है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है।
अब GTA 4 में निको को धोखा देने के बाद कैरिन GTA 5 में फीचर करी गई है, जहां वो IAA के ऑफिस में मिस्टर के को इंटरोगेट करते समय काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करती है। बट उस मिशन में हम मिस्टर के को बचा लेते हैं और मिस्टर के को अपने साथ ले जाते हैं। मतलब GTA 4 का बदला GTA 5 में ले लिया गया है। GTA 4 में निको बेलिक को तो काफी बार धोखा मिला है, जिसका एक सीन अभी हमने देख ही लिया। बट एक आदमी जो हमेशा से ही GTA 4 में लॉयल रहा है निको बेलिक के लिए, वो है पैट्रिक मैकरेरी। और इन दोनों ने काफी सारे काम किए हैं साथ में, लाइक किलिंग, स्टीलिंग और कुछ कुछ किडनैपिंग भी करी है इनने GTA 4 के अंदर। और पैट्रिक का यही टैलेंट GTA ऑनलाइन और GTA 5 में काफी काम आया है, जहां वो एक हाइस्ट क्रू मेंबर बन चुका है जो कि ट्रेवर, माइकल और फ्रैंकलिन की काफी ज्यादा मदद करता है। बट इससे पहले आपको एक रैंडम इवेंट में उसकी हेल्प करनी पड़ेगी और उसे कॉप से बचाना पड़ेगा। वैसे इस रैंडम इवेंट को और मैकरेरी को कैसे फाइंड करो आप GTA 5 में, अगर आपको उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अगला करेक्टर सेल्वेता और लियोन GTA सैन एंड्रियास, लिबर्टी सिटी स्टोरीज और GTA 3 में फीचर हुआ है। और इन तीनों गेम्स में ये हमेशा लियोन फैमिली का डॉन रहा है, जहां ये हर गेम में गेम के प्रोटैगोनिस्ट को मिशन देता है अपने राइवल ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर बनाने के लिए। बट लिबर्टी सिटी स्टोरीज को छोड़ के GTA 3 के क्लाउड और सैन एंड्रियास के CJ के साथ इसके रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं और ये दोनों करेक्टर इसका साथ लास्ट में छोड़ देते हैं। और फिर एक बार हमारे पास GTA सीरीज में एक और धोखेबाज करेक्टर आ जाती है, जो कि है कैटेलिना। GTA 3 की ओपनिंग सीन में ही कैटेलिना अपने बॉयफ्रेंड और क्राइम के पार्टनर क्लॉट को, जो कि गेम प्रोटैगोनिस्ट है GTA 3 का, उसको धोखा दे देती है और फिर हम इस गेम में इसी को मारने के लिए निकल जाते हैं, जहां लास्ट मिशन में क्लॉट कैटेलिना को मार देता है। और क्लॉट को धोखा देने से पहले ये CJ के साथ भी सेकंड कंट्री में एक क्राइम पार्टनर रहती है, जहां वो CJ के साथ काफी सारे मिशन करती है बैंक लूटने के और लास्ट में उसे ही डंप कर देती है। और GTA सैन एंड्रियास की स्टोरी भी GTA 3 से पहले ही सेटअप करी गई है, इसलिए CJ को पहले बिट्रे करती है और फिर क्लॉट को भी बिट्रे कर देती है गेम के अंदर। मतलब सही में काफी धोखेबाज औरत है ये GTA सीरीज के अंदर। GTA 3 के बाद हर एक GTA के मेन गेम्स में लेज़लो जोन्स फीचर करा गया है, बट GTA 5 से पहले के गेम्स में आपको सिर्फ इसकी आवाज़ ही सुनने को मिलेगी गेम्स के रेडियो स्टेशन में, क्योंकि लेज़लो एक मीडिया पर्सनैलिटी रहा है। GTA 5 में लेज़लो ने अपना डेब्यूट करा है, जहां उसकी ट्रेसी के साथ की गई हरकत उसको भारी पड़ जाती है, क्योंकि ट्रेवर और माइकल उसके काफ़ी अच्छा सबक सिखाते हैं गेम के अंदर। लेकिन लेज़लो एक काफ़ी फनी करेक्टर लगता है GTA 5 में, लेकिन देखा जाए तो उसको ये डेब्यूट GTA 5 में करा गया उसके लिए काफ़ी भारी पड़ गया, और शायद अब GTA 6 में वो एज अ पर्सन हमें देखने को मिलेगा और GTA 6 में वो वापस अपने रेडियो स्टेशन से ही सुनाई देगा। GTA 3 का क्लॉड एक काफी आइकॉनिक करेक्टर रहा है GTA सीरीज में, क्योंकि इस करेक्टर ने एक भी शब्द नहीं बोला है GTA 3 गेम के अंदर। GTA 3 में ये एक प्रोटैगोनिस्ट है, जिसमें ये अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैटेलिना से बदला लेता है। अब हाँ, ये कैटेलिना वही औरत है, धोखेबाज औरत, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी करी थी। अब इसको कैटेलिना लिबर्टी सिटी बैंक लूटते टाइम शूट कर देती है ओपनिंग सीन में GTA 3 के। बट इससे पहले सैन एंड्रियास गेम में क्लॉड ही कैटेलिना का नया बॉयफ्रेंड बन जाता है, जिसकी वजह से कैटेलिना CJ को भी धोखा दे देती है, और इसी चक्कर में CJ और क्लॉड के बीच में एक कार रेस भी कराई जाती है, जिसमें CJ जीत भी जाता है लेकिन कैटेलिना फिर भी क्लॉड के साथ चली जाती है। वैसे यहां देखा जाए तो कैटेलिना की वजह से ही क्लॉड और CJ एक साथ हमें सैन एंड्रियास गेम में देखने को मिलते हैं। सो ऑलराइट गाइज, ये थे वो 10 GTA के करेक्टर जो और भी GTA के गेम्स में फीचर करे गए हैं। अब आपको इनमें से कितने करेक्टर के बारे में पहले से पता था, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, और यार वो सब्सक्राइब वाले बटन से प्यार करो यार, वो नहीं देगा तुमको धोखा, तो जाओ कर लो उससे प्यार और दबा दो उसको। और बिना बेल आइकन दबाए तुमको उसका पूरा प्यार नहीं मिलेगा, तो उसे भी दबा देना। तो अब मैं जा रहा हूँ कैटेलिना से मिलने, बाय।